अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ओलिया वड़ाइच। आज हम एक ड्रेस डिज़ाइन करने लगे हैं। ये देखिए, ये उसका दुपट्टा है और साथ में मैं फिर बताऊँगी स्टाइलिंग भी किस तरह करनी है। ये उसका दुपट्टा है, उस पर ये वाली लेस लगनी है। ये शर्ट का पीस आ गया, शर्ट के पीस पे कोई भी नेकलाइन नहीं बनी हुई, गला नहीं बना हुआ, हमने खुद ही डिज़ाइन करना है। ये हमने इसकी लेस ली हुई है। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र को भी हमने थोड़ी सी लेस यूज़ करके जो दुपट्टे पर लगाई है ना, वही यूज़ करनी है। ये शर्ट का पीस आ गया है, हमने इसका मिड साइड से, शोल्डर से 2-2 इंच करके उसको फोल्ड कर देना है। उसके ऊपर प्रेसिंग कर देनी है ताकि क्रीस बैठ जाए। फिर उसके बाद जो नीचे चौक होते हैं ना, उससे हमने 3 इंचेस नीचे लेके एक और क्रीस बिठा देनी है, ताकि बिल्कुल जो बॉक्स है ना, वो जो लेस का है, वो प्रेसिंग हो जाएगी ना, तो उसी के ऊपर ही हमने लेस लगा लेनी है। कि प्रेसिंग करने के बाद आप शर्ट को ओपन करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि वही वाली लेस जो आपको मैंने अभी पहले दिखाई है, वो वाली हमने इसके ऊपर लगानी है, मैरून वाली। ये देखें, इसके मैंने टिशू को पहले ही फिनिशिंग देके साइड से अंदर कर लिया प्रेस करके। अब इसको हमने इसी तरह लगा देनी है। ये जो बॉक्स है, ये थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, शॉर्ट नहीं है। ये देखें, इसके बाद हमने इस तरह इसकी स्टिचिंग करनी है। कोशिश कीजिएगा जो इसका कॉर्नर हो वो नीट बने। ये देखें, बैक से शर्ट को पकड़ा करें ताकि फैब्रिक जो है ना, उसमें चुनट ना आए, बल ना पड़े, ठीक है। ये करने के बाद हमने इसके ऊपर एक और बॉर्डर लगाने हैं, जो दोनों तरफ लगाने हैं, लेकिन लगना नेकलाइन की मिड में है। ये देखें, ये इसका बॉर्डर है। दोनों सेम डिज़ाइन जो है ना, वो एक दूसरे के सामने आमने आए, ठीक है। इस तरह ये लगा देनी है। इसके बाद ये हमने ये वाला इसका नेकलाइन बनाया। सिंपल नेकलाइन है, क्योंकि लेस भी लग गई है, बॉर्डर भी लग गया। अब जो नेकलाइन का मेन है वो सिंपल रही है। देखें, बैक की तुरपाई कर लेनी है। ये रेडी हो गया। अब हमने दामन के लिए ये नेट लिया। नेट के ऊपर जो ट्रायंगल्स हैं, कोई इसको टुकड़ियां कहता है, कोई ट्रायंगल कहता है, कोई तकोन कहता है, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में इसको जो भी कहते हैं, ये इस तरह हमने इसके बॉर्डर पे अटैच कर देना। ये इस पे सितारे और ये पर्ल्स यूज़ होंगे, गले को थोड़ा सा एम्बेलिश करने के लिए। ये देखें, इसके बाद ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि लगाना किस तरह। सबसे पहले हमने सुई में लेना है एक पर्ल, फिर उसके बाद रेड वाला छोटा पर्ल लेना है, और उसके बाद ये हमने सितारा ले लेना है। फिर पर्ल को छोड़ के दोनों जो पर्ल्स हैं ना, उसमें से हमने अपनी सुई को निकाल देना है, और 2-3 इसी तरह ही फ्रंट बैक करके ना, उसको टाइट कर लेना है, ताकि एक दो धुलाई में उतर ना जाए, ठीक है। ये करने के बाद ये जितनी पट्टी हमने लगाई है, उस पर जितने अच्छे लगेंगे वो आप लगा लें। कोई ज़्यादा लगाना चाहता है तो ज़्यादा लगा ले, कोई कम लगाना चाहता है तो कम लगा ले, ठीक हो गया। अब इसी वाले जो स्टार्स हैं ना, उनको हम दामन पे भी यूज़ करेंगे। वो भी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह यूज़ करेंगे। ये देखें, ये देखें, इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें, ठीक है, इस तरह आपने कर देना। अब ये देखें, ये दामन पर भी मैंने इस तरह इसके साथ ये चीज़ लगी है। अब ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के हमने मिड में कटिंग करनी है, और से एक फैब्रिक लेके उसको दूसरी तरफ सिलाई करके ना फोल्ड कर देना। ये देखें, ये हाफ कट हो गया बाजू पे। अब इसके ऊपर भी हमने उसी तरह ही ये सितारा और पर्ल लगा देना, ठीक है। अब ये मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखें, ये लगी हुई है, ये दामन आ गया मेरा, ये गला आ गया। ये देखिए, ज्वेलरी भी आप साथ देख रहे हैं, जो चीज़ जिसके साथ जैसे अच्छी लगती है, ठीक है। ये देखें, ये बाजू पे ये चीज़ लग गई है। ये देखें, ये इसके साथ मैंने शलवार का बनाया। ये दामन आ गया, ये स्लीव्स का डिज़ाइन आ गया। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।